एक तरफ गुजरात टाइटंस, एक तरफ लखनऊ सुपर जॉइंट, भैया दोनों के दोनों फैन है और गिल ने अभी तक एक भी चौका नहीं मारा है, सरप्राइज सरप्राइज, और टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है इन्होंने। सर ये चल रहा है आईपीएल का फैन पार्क, मिनी फैन पार्क, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा रानीताल वेलोड्रम का एरिया है। चलिए आपको भी अंदर लेके चलती है। सबसे पहले बता दूं कि आईपीएल फैन पार्क होता क्या है। आईपीएल की तरफ से देश के कुछ चुनिंदा शहरों में ये आयोजित किया जाता है फैन पार्क, और आज हमारे शहर जबलपुर में इस फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है जो कि जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में हो रहा है। एक क्रिकेट स्पोर्ट्स ग्राउंड है ये पूरी तरह से जबलपुर का। तो ये है रानीताल का स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सामने जो मेरे आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पर पार्किंग दी गई है। एक ग्राउंड रानीताल का इस तरफ है जहाँ पर टाटा आईपीएल का फैन पार्क लगा हुआ है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंट्री पूरी तरह से फ्री है। चलिए हम चलते हैं एंट्री लेने आप यहाँ पे। तो यहाँ पर हम अपनी टिकट ले रहे हैं जो कि पूरी तरह से फ्री है। टाटा आईपीएल फैन पार्क की टिकट जो पूरी तरह से फ्री है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, नाम लिखता है और ये टिकट हमारी मिल गई है। ठीक, तो ये हमें यहाँ से टिकट और कूपन मिला है, तो एक हमें अपने पास रखना है और एक हमें एंट्री पे चेक करवाना है। सिक्योरिटी चेक करने का भी है यहाँ पर, पूरी तरह से ऐसा फील होता है कि हम स्टेडियम के बीच में हैं। तो अभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये गेट है, गेट से एंट्री अभी लोग आते ही जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा रियलिस्टिक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आपको ऐसा लगे कि आप स्टेडियम के बीच में बैठकर मैच देख रहे हैं। और अभी फिलहाल संडे का दिन है, ये संडे के दिन का पहला मैच है जो गुजरात टाइटंस और एनएसजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच में चल रहा है। ये बड़ी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर, देखिए कैसे आराम से बैठ के लोग मैच देख रहे हैं। कौन से गेंदबाज को कहाँ से डलाएंगे और देखिए कितना शानदार माहौल है जबलपुर में हमारे। पूरी तरह से फ्री एंट्री है यहाँ पर, देखिए जैसे स्टेडियम में जो डिएगो ईवी है उसका प्रमोट किया जाता है, वैसे यहाँ पर भी आईपीएल के फैन पार्क में भी डिएगो ईवी रखी हुई है जिसका प्रमोशन किया जा रहा है। बच्चों के लिए कुछ झूले हैं यहाँ पर जो कि पूरी तरह से फ्री है। और तो और जैसे आप किसी टीम के सपोर्टर हैं तो यहाँ पर आपकी फेस पेंटिंग भी है, जैसे आप किसी टीम के सपोर्टर हैं तो अपने चेहरे पर उसका पेंटिंग करवा सकते हैं, टीम का नाम लिखवा सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर है जो कि पूरी तरह से फ्री है। और देखिए आप आपको साइड से दिखाऊं तो देखिए क्या भीड़ हो रही है अभी यहाँ पर, लोग बैठ के मैच का एंजॉय कर रहे हैं। फैन पार्क, फैन पार्क कराने का मेन ऐसा रहता है कि आपको पूरी तरह से ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया जाता है कि आपको ऐसा लगे कि आप ग्राउंड के बीच में बैठ के, मैदान के बीच में बैठ के बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फीलाइज हो, आपको ऐसा लगे कि आप मैदान के बीच में बैठ के लाइव मैच देख रहे हैं। और आज का मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है। अभी मैं आपको टाइम बताऊं, टाइम हो रहा है 4:40, शाम के 4:40। गर्मी का टाइम है, काफी धूप रहती है लेकिन इतनी ज्यादा धूप अभी नहीं है। यहाँ पर मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, यहाँ पर भी आप परचेज करके खा सकते हैं और ड्रिंकिंग वाटर तो है ही। साथ में मैं आपको बताऊं फर्स्ट एड बूथ भी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर किसी को बाई चांस कुछ हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट एड और डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, बाउंसर्स भी यहाँ पर है। और ये वीआईपी लॉन्च, हालांकि स्क्रीन से काफ़ी दूर है वीआईपी लॉन्च, कुल मिला के एक बहुत अच्छा आयोजन हमारे शहर जबलपुर में। यहाँ पर देखिए एक मैच यहाँ पर चल रहा है जिसको देखने के लिए एक पब्लिक आई हुई है टाटा आईपीएल फैन पार्क के पार्क में जबलपुर रानीताल स्टेडियम में, और एक मैच यहाँ पर साइड में बच्चों को एक प्रैक्टिस के हिसाब से कराया जा रहा है। ये देखिए सामने मशीन लगी हुई है और ये लाइन लगी हुई है, जितने जो लाइन में लोग लगे हुए एक एक करके उनका नंबर आएगा। अभी फिलहाल ये बच्चे का नंबर है तो ये प्रैक्टिस कर रहा है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, वहाँ से एंट्री पॉइंट था उस तरफ से और यहाँ से एग्जिट पॉइंट है, और जब आप एग्जिट होते हैं तो आपके हाथ से बैंड उतार लिया जाता है पूरा, मतलब जैसा इंटरनेशनल स्टेडियम में होता है आप मैच देखने जाते हो, सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम एग्जिट है, ऐसा ही है। तो ये एक बहुत ही प्राइड वाली बात है कि हमारे शहर जबलपुर में भी टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन हुआ है, और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरे शहर जबलपुर को चुना गया है, क्योंकि देश के चुनिंदा शहरों में ही वीकेंड पर ये आयोजन जो है ना वो आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मेरे शहर जबलपुर का नाम आया है और जबलपुर में आईपीएल फैन पार्क को देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। आप इस वीडियो को देख के खुश हुए हैं कि नहीं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए और बनाता रहूँगा। प्लीज़ 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 जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आया तो।